हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फूड क्रश एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस आज हम ट्राई करने वाले हैं वेंडीज का बर्गर। और इससे पहले मैंने कभी वेंडीज का कोई बर्गर ट्राई नहीं किया है, मैंने कोई भी फूड आइटम ट्राई नहीं करा है वेंडीज से, क्योंकि मतलब काफ़ी टाइम से, वैसे तो इंडिया के अंदर वेंडीज सीपी के अंदर काफ़ी टाइम से इनका आउटलेट है, पर जनकपुरी में अभी भी खुला है और मेरे हाथ में भी थोड़ी सी चोट लग गई है, इस वजह से तो मैं बाहर कहीं जा नहीं पा रहा अभी वीडियो शूट करने। बाइक वाइक चलाने से मेरे को मना करा कार ड्राइव करने से, तो उस वजह से अभी तो मैं घर पर वीडियो शूट करूँ, तो आज एक होम वीडियो शूट कर रहे हैं इसलिए हम वेंडीज के बर्गर को ट्राई करने की। चलो यार चलते हैं वेंडीज का बर्गर ऑर्डर करते हैं, और कुछ सेल वगैरह भी चल रही है इसके ऊपर मेरे ख्याल से जोमेटो पे, वहीं से मंगवाएंगे तीन बर्गर, तीन से चार बर्गर ऑर्डर करेंगे और आपको ट्राई करके बताएंगे। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो गाइस ये मेरा ऑर्डर आके रेडी हो गया है वेंडीज का। तो मैंने टोटल पाँच बर्गर मंगवाए हैं, तीन बर्गर तो हमारे सेम ही हैं, डिस्काउंट में मिल रहे थे तो मैंने तीनों मंगा लिए, और बाकी तीन बर्गर हमारे अलग हैं। तो मैं एक बार इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये खोलते खोलते फट ही गया मेरे से, कोई नहीं चलो। तो साथ में नैपकिन्स वगैरह दे रखे हैं हमें, और मैं फर्स्ट टाइम आज वेंडीज का बर्गर ट्राई कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले कभी वेंडीज का बर्गर ट्राई नहीं किया है। और ये मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया, ये कौन सा बर्गर है हमारा यार, इसकी तो हालत ही ख़राब हो रही है बड़ी, इसको साइड में रखते हैं। ये पनीर डिलाइट है, पनीर डिलाइट की तो हालत ही ख़राब कर दी उन्होंने। ये हमारा है स्पाइसी आलू क्रंच, और ये है बन टिक्की। बाकी जो हमारे दोनों दूसरे बर्गर हैं वो भी बन टिक्की हैं, वो मैंने घर वालों को खाने के लिए मंगा लिए, तो नाम ही नहीं लिखा। वाह तो ये भी बन टिक्के, टोटल पांच बर्गर हैं, बाकी ये तीन मैं आपको ट्राई करके बताऊंगा, क्योंकि अकेला बंदा सिर्फ तीन बर्गर ही खा सकता है और मेरे हिसाब से भी थोड़ा ज़्यादा ही है मेरे लिए, तो हम इसको ट्राई करते हैं। और बाकी ये वाले तो मैंने घर वालों के लिए मंगवाए हैं कि बन टिक्के एक बार मम्मी और बहन भी ट्राई करके देखें कि भाई उनका टेस्ट कैसा है, और देखते हैं यार मैगडी से बट बढ़िया है या नहीं है। बाकी मैं तो पहली बार ट्राई करने वाला हूँ वेंडीज का बर्गर, तो एक बार मैं खोल के देखता हूँ और देखता हूँ इसका टेस्ट। ये मेरे तीन बर्गर जो मैंने वेंडीज से ऑर्डर करे हैं, एक तो हमारा है ये स्पाइसी आलू क्रंच, एक पनीर डिलाइट और एक बन टिक्की बर्गर। मैं आपको ये बर्गर खोल के दिखाता हूँ। तो गाइस जो स्पाइसी आलू क्रंच वाला बर्गर और टिक्की बन बर्गर है, दोनों मिला के मेरे को 120 रुपये के पड़े, मैंने इन्हें ऑफर में मंगवा लिया, वरना आपको ये अलग अलग थोड़े महंगे पड़ेंगे। तो इसकी फिलिंग अंदर से ठीक लग रही है, 120 में दो बर्गर तो कोई बुरे नहीं है, एकदम सही लग रहा है देखने में। तो बाकी एक बार अपना बन टिक्की बर्गर भी खोल के देखते हैं, लड़की बना के दे रहे हैं तो पीछे इसके। तो ये हमारा है बन टिक्की बर्गर, तो इसके तो बेसिक सी फीलिंग है और प्याज लगा रखी है, और ये आलू टिक्की है, बाकी नॉर्मल बर्गर है इसका। बाकी बन तो काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, और ये हमारा पनीर डिलाइट बर्गर है जिसकी पैकिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार करी है इन्होंने। तो ये जब आया था मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि इसकी पूरी पैकिंग फटी हुई थी, तो अभी पता नहीं डिलीवरी बॉय की वजह से हुई है इन्होंने ऐसे पैक करके दिया, अब ये तो भाई ये लोग जाने। तो गाइस पत्ता गोभी तो इसके अंदर ही रह गई, ये बर्गर जो है 160 रुपीज़ का है, और मुझे कहीं से भी वर्थ नहीं लग रहा है बर्गर वर्थ 160 रुपीज़ का देखने में ही, क्योंकि सिर्फ एक पैटी है और पत्ता गोभी डाल रखी है, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और एक सिर्फ मायो डाल रखी है। तो बाकी टेस्ट में देखते हैं कि टेस्ट में वर्थ है या नहीं है, बाकी देखने में 160 रुपये का तो वर्थ मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा है। तो चलो यार ये हमारे तीनों बर्गर से, तो फटाफट से एक बार मैं आपको ये ट्राई करके बताता हूँ। और ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम लोग वेंडीज़ के बर्गर ट्राई कर रहे हैं, वरना तो हम लोग भाई मैकडी के ही फैन है, अगर मैकडी या स्ट्रीट फूड ही ट्राई करते हैं, तो आज वेंडीज़ के बर्गर ट्राई करके देखते हैं। सो भाई स्टार्ट करते हैं अपने आलू क्रंची बर्गर से, तो एक बार मैं इसकी बाइट लेके देखता हूँ कि इसका वही टेस्ट कैसा है। गाइस टेस्ट नो डाउट अच्छा है बाकी, और बहुत क्रंची, जैसे इसका नाम है स्पाइसी आलू क्रंच, तो इसके अंदर आलू डाल रखे हैं बहुत ज़्यादा क्रंची हैं, और इसके ऊपर के बने हैं भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो एक बार इसका सॉस डाल के टेस्ट लेके देखते हैं बाकी, क्योंकि बर्गर मेरे को सॉस के साथ ज़्यादा खाना पसंद है। और आप लोग कैसे खाते हैं बर्गर मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना यार, मैं ज़्यादातर सॉस के साथ ही ट्राई करता हूँ बर्गर। मेरे ख्याल से उन्होंने उसमें दो पैटी डाल रखी है, एक शायद नॉर्मल जो पैटी होती है और एक क्रंची पैटी है, जिसके वजह से उसका टेस्ट भाई बहुत सही आ रहा है। मतलब अगर इसको रेटिंग दे 5 में से, तो भाई 4 तो इसको जाएगी, बर्गर बहुत सही था, बहुत टेस्टी है, बन एकदम सॉफ्ट है। तो अब ट्राई करते हैं अपना बन टिक्की बर्गर ट्राई करने की, और ये तो फर्स्ट कॉपी लग रहा है मेरे को मैकालू टिक्की की। बाकी इसका जो प्राइस है, मतलब अगर आप इंडिविजुअल खरीदो तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, मैंने ऑफर में मंगवाया तो मेरे को 199 के, और सॉरी 119 के दोनों बर्गर मिले मेरे को। तो मतलब अगर आप 60 रुपये बर्गर मान लो, थोड़ा सा महंगा ही है, मैकडी में अगर आप ये लेने जाओगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा, 45 के आसपास आपको उनका मैकालू टिक्की मिल जाएगा, और ये 60 रुपये का आपको पड़ेगा ऑफर में भी। तो बाकी इसको देखते हैं टेस्ट करके कि ये कैसा है।
यार मज़ा नहीं आया इस बर्गर में ना। मतलब जब भी हमने स्पाइसी आलू क्रंच ट्राई किया था भाई, वो बर्गर तो बहुत सही था, बट जो बेंटेक की बर्गर ना, मतलब मज़ा नहीं आया इसको खाने में। नॉर्मल से बर्गर लगा मेरे को तो, मतलब जो मैकडी का आता है, मैकालू टिक्की, भाई उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। ये मैकालू टिक्की तो बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, बट ये बर्गर तो मतलब उसके आगे मुझे बिल्कुल भी मतलब कंपेरेबल लगा ही नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ इसमें, बट मतलब सही से नहीं लगा। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दो प्याज डाल रखे हैं और एक टिक्की डाल रखी है। बन सॉफ्ट है भाई, नो डाउट, दोनों बर्गर का बन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बट टेस्ट जो है इसका बहुत अजीब सा टेस्ट है, एकदम ब्लैंड टेस्ट आ रहा है। मसाले वगैरह कुछ भी नहीं है बर्गर में, एकदम ऐसा लग रहा है सिर्फ सूखा रूखा बन खा रहे हो आप। बाकी मज़ा नहीं आया इसमें तो यार, मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई किया, एक बर्गर तो बहुत अच्छा लगा। और अगर इसको रेटिंग दे तो इसको तो हम 5 में से 2 देंगे ट्राई करने की। और जो इसका प्राइस है 160 रुपीज़ सिंगल पीस का, इसको अगर आप ऑफर में लोगे तो ये भी आपको मिल जाएगा, बट मैंने सिंगल मंगवाया तो मैं एक बार खोल के दिखाता हूँ। तो उसके अंदर आपको सिंगल पत्ता गोभी का मिलेगा और एक पनीर की पैटी मिल जाएगी जो नॉर्मल सी साइज़ में है। 160 रुपीज़ उस बर्गर की भाई वर्थ कहीं से भी नहीं लग रही मेरे को। और इसके बर्गर बन के ऊपर थोड़ी सी मायो लगा रखी है, हल्की सी चिली फ्लेक्स वगैरह डाल रखे हैं ऐसे रेड रेड। बाकी एक बार टेस्ट लेके देखते हैं। तो यार देखने में फर्स्ट लुक में आपको ये बर्गर कैसा लग रहा है मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि जो मैकडी के बर्गर आते हैं मेरे ख्याल से, तो वो जो उसका पनीर बर्गर होता है शायद सस्ता भी है इससे, और उसके अंदर सामान भी बहुत सारा डालते हैं, उनकी पनीर पैटी इतनी मोटी होती है। तो भाई किसी को भी कोई हेट नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, और हमने खुद ऑर्डर करके मंगवाया तो ट्राई कर देख लियो, कि हम ज़्यादातर मैकडी ट्राई करते हैं। और यार क्या बोलते हो, कंपैरिजन वीडियो हो जाए वेंडीज वर्सेस मैकडी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई बारी इसको ट्राई करने की, पत्ता गोभी एक है तो उसी साइड से ट्राई कर लेता हूँ। एक और थी वो उसमें रह गई। इसका ओके ओके है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है, बट 160 रुपये वाला टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है इसका। इसके अंदर 160 वाला सामान है, क्योंकि अगर आप पनीर भी लोगे तो यार आपको बन घर, अगर आप घर पे बनाओगे बर्गर तो मुश्किल से 40-50 रुपये में बर्गर बन जाएगा, दो बन जाएंगे ऐसे भाई। 160 तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये। और यार टेस्ट भी मतलब मैकडी वाला टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा मेरे को, टेस्ट थोड़ा अजीब सा ही है। और जो पनीर पैटी है वो भी थोड़ी पतली सी है, ये आप देख सकते हो, मैं एक बार बन दोबारा उठा के दिखाता हूँ। बहुत पतली सी है, मतलब कोई चौड़ाई भी नहीं और चौड़ी भी बहुत ही कम है, नॉर्मल पैटी लगा रखी है ये। 160 तो यार एकदम मतलब लूट मचा रखी है बिल्कुल ही। बाकी यार अगर ओवरऑल रिव्यू देना हो, ओके ओके लगा, वन टाइम ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप डेली यहाँ पे जाओ और वेडीज का बर्गर ट्राई करो भाई, अपना तो मैकडी है बर्गर किंग दोनों वाइस बढ़िया। एक बार काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं कंपेरिजन वीडियो। और तो गाइस कमेंट करके जरूर बताएं कि यार अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं हम, कंपेरिजन वीडियो चाहिए आपको, रिव्यू वीडियो चाहिए कहीं की। तो यार मैंने एक और चैनल बना रखा है मोटर व्लॉगिंग का, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब उसमें नॉर्मल व्लॉग्स भी डालेंगे और मोटर व्लॉगिंग भी डालेंगे। अभी तो यार मेरे हाथ में लग गई है ये, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कार वाली ने चलती गाड़ी में गेट खोल दिया था, इस वजह से मेरे राइट हैंड में थोड़ी सी इंजरी हो गई है। तो भाई जैसे ही ठीक होगा उस चैनल पर हम दोबारा से वीडियोज डालना स्टार्ट करेंगे, अभी उस पर वीडियो डाल रखी है तो उस पर भी प्यार दिखाना है यार पूरा, और इस चैनल पर तो प्यार दिखाते ही रहना, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लो। तो भाई के बारे में जरूर कमेंट करके बताना गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।